अपने पति को परमेश्वर का दर्जा देने वाली महिलाओं ने विगत दिवस करवा चौथ का व्रत रख अपने पति की लंबी आयु की कामना की। मान्यता के अनुसार इस दिन सुहागन महिलाएं चौथ का माँ की पूजा कर करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है। तत्पश्चात चंद्रमा को देखकर जल अर्पित करती हैं और अपने पति के हाथों व्रत पारण करती हैं। इसी कड़ी में रीवा शहर में सुहागिनों द्वारा व्रत रखा गया। वह रात्रि में चांद को देखकर पूजा कर जल अर्पित करते हुए पति के हाथों पारण कर व्रत को पूरा किया। अपने सुहाग की लंबी आयु को लेकर इस व्रत को लेकर महिलाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रखा जाता है कैसे? पहले तो मैं सब सुहागन स्त्रियों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ये जो व्रत होता है वो पति की लंबी आयु की कामना करती हैं सुहागन स्त्रियाँ। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है और चाहे किसी भी प्रांत की महिलाएं हों, इसको सभी बहुत ज़्यादा श्रद्धा पूर्वक मनाती हैं, जिससे घर की सुख शांति, पति को कोई भी किसी प्रकार का भी कष्ट ना हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए मनाएं।